स्वागत है आप सभी का दा मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक और अच्छी सी वैकेंसी आई है और लगातार मैं वैकेंसी को अपडेट कर रहा हूं। और जिन लोग को ये शिकायत है कि जो है कुछ प्रॉब्लम्स होती है, पारदर्शिता जो है नहीं होती है इसके सिलेक्शन में, तो उनके लिए थोड़ा सा सुकून का बात है कि यहाँ पे सबसे पहले रिटन टेस्ट लिया जा रहा है। रिटन टेस्ट लेने के बाद आप अगर रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तभी आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको डेमो क्लास देना होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो एक अच्छा सा मौका है, प्रोसीजर भी अच्छा है। और दूसरा बात है कि इन्होंने क्या किया है कि आपको रिटन टेस्ट में जो बुलाएंगे उसके लिए ये आपसे ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई करवा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, उसकी जानकारी हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे। दूसरी बात दोस्तों कि ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आपको जो शॉर्टलिस्ट करेंगे फिर आपको जो है रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वहां क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो एक ये चीज है। दूसरा है कि जो पारदर्शिता है वो सब कुछ जो है सामने रख के किया जा रहा है। और इसमें जो मेजर डिपार्टमेंट्स है, जो मेजर कोर डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट से इसमें वैकेंसी दी गई है। ठीक है, बाकी की चीजें जो हैं वो कैसे इसका सेलेक्शन क्या का प्रश्न तो मैंने बता दिया, कहाँ से फॉर्म भरेंगे और कहाँ से क्या मिलेगा ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दूसरी बात है दोस्तों कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ये जो लिंक है, इस लिंक के माध्यम से आप जो है अगर अगर ये जो वीडियो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उससे जुड़ी कोई चीज़ है तो आप बताइए, तो मैं टेलीग्राम पे उसको अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक तो ये जरिया है। दूसरा है कि आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए, अब क्या है कि अब इस वैकेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये वैकेंसी क्या है और कैसे है। दूसरी बात है कि लेक्चरर के लिए जो AICTE का जो नॉर्म्स है, AICTE का नॉर्म्स बोलता है कि आप 1400 रुपये पर क्लास दीजिए किसी भी टीचर को। 1400 रुपये पर क्लास का मतलब होता है फुल डे जो आपकी ड्यूटी होगी वो फुल डे ड्यूटी होगी पूरे कॉलेज में जो आप ड्यूटी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक क्लास करके आप निकल जाएंगे। तो 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से मंथ में आपको 40,000 यानी 45,000 यानी कि 45,000 मैक्सिमम आपको मिल सकता है इन हैंड। ठीक है, ये इतनी सारी बातें हो गई। अब आइए हम लोग चलते हैं इसके मोटी मोटी कुछ बातों पे। अब देखिए, यहाँ पे जो राजकीय पॉलिटेक्निक भोजपुर है उसका ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है principalbhojpur@gmail.com और इसका वेबसाइट भी दिया हुआ officialgpbhojpur.org.in। अभी ये जो भोजपुर वाला जो बिल्ड है इसकी बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है, इसीलिए अभी राजकीय पॉलिटेक्निक गुलजारबाग पटना में ये चल रहा है। यानी आपको जॉब जो है वो पटना में करना है, पटना में जॉब करना है। ठीक है, अब इसमें जो है मोड ऑफ सिलेक्शन जो है मैंने पहले ही बता दिया, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू है, पोस्ट लेक्चरर का है। ये गूगल फॉर्म का लिंक है दोस्तों। ठीक है, ये लिंक को आप जो है जब क्लिक करिएगा या सॉरी आप जो है इस लिंक को कहाँ से मिलेगा वो मैं बता दूंगा कि ये आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट जाके आप इस पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी बात है दोस्तों कि इसके जो लास्ट डेट है वो 18 जुलाई रखा गया, समय बहुत कम है, तो इसीलिए इसको जल्दी से जल्दी भरिए आप लोग ताकि आप इसका फायदा उठा सके। जो डेट है रिटन टेस्ट का वो बहुत जल्द ये अनाउंस करेंगे शॉर्टली, उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है उस पर आपको रेगुलर विजिट करते रहना है। तो इतनी सारी बात हो गई। अब आते हैं डिपार्टमेंट्स की तरफ। और ये जो सर दोस्तों गूगल फॉर्म है, इस गूगल फॉर्म का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट है वो कंप्यूटर साइंस का आपको दिया गया है। और यहाँ पे ये जो कंप्यूटर साइंस का पोस्ट दिया गया है, इस पोस्ट में दोस्तों ये जो आपका पोस्ट है इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है और फिजिक्स है। अब ये जो इंटरव्यू होने जाना है वो इंटरव्यू होगा आपको इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग GP पटना 7 गुलजार बाग में 8000007 पे। तो ये इंटरव्यू का लोकेशन है, इंटरव्यू आपको यहाँ देना है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, सिविल के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और फिजिक्स के लिए। तो यहाँ पे टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट आया कैसा था और ये कैसा था। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो अतिथि व्याख्याता होता है लेक्चरर, उसके लिए 1400 रुपये क्लास के हिसाब से 45,000 रुपया मैक्सिमम आपको मिल सकता है। वहीं अगर तकनीकी सहायक की बात करें तो 800 रुपये के हिसाब से मैक्सिमम आपको 25,000 रुपया मिल सकता है। तो दोनों मैंने बता दिया, जो AICTE और DSTTE बिहार का नॉर्म्स है वो आपके सामने में है। अब आगे देखिए,
यहाँ पे जो प्रचार का कार्यालय है, प्रचार का कार्यालय पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट का ये है, ये एडवर्टीजमेंट पेपर में आया था, ठीक है। काकिला जगदीशपुर आरा भोजपुर अस्थायी अस्थायी परिषद राजकीय पॉलिटेक्निक गुलजारबाग है, यहाँ पे वो सारी बातें दी हुई हैं जो मैंने आपको चुन चुन के बता दिया है। उसमें यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट दे दिया गया है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स। एकेडमिक क्वालिफिकेशन AICTE नॉर्म्स के हिसाब से, जो आप लोग जानते हैं कि बीटेक होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक है, उसके ऊपर जितना होगा आपको प्रिफरेंस उतना मिलेगा। यहाँ पे वेन्यू दिया गया है, कब है एग्जाम आपका, वो यहाँ पे बता दिया जाएगा। फर्दर डिटेल के लिए बोल रहे हैं कि इनका जो वेबसाइट है gpbhojpur.org का, उस पर आप जाके देख सकते हैं। अब आइए प्रिंसिपल साहब के लेटर पे चलते हैं, जो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ ताकि ऑथेंटिसिटी इसकी साबित हो जाए, कि प्रिंसिपल साहब का लेटर यहाँ पे देखिए, ये प्रिंसिपल साहब का लेटर है, यहाँ देखिए ये प्रिंसिपल साहब का लेटर है, 5 जुलाई को ये रिलीज किया गया है, 462 नंबर इसका लेटर संख्या है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्स का, पहला कि ये एंगेजमेंट जो है पूरी तरीके से टेम्पोरी है और रिम्यूनरेशन बेस्ड है। दूसरा कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो इंटरव्यू के लिए आएंगे ऑन द सेम डे, ठीक है, और रिम्यूनरेशन जो गेस्ट लेक्चरर का होगा वो एज पर द एग्जिस्टिंग रूल जो है DSTT का, उसके हिसाब से जो मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। अब जो इंस्टीट्यूट है उसके पास ये अधिकार है कि वो कभी भी इस एडवर्टीजमेंट को खत्म कर सकते हैं आपको बिना कोई रीजन बताए हुए। दूसरा कि जो सर्विस है गेस्ट लेक्चरर का, वो आपको कभी भी हटाया जा सकता है जब अगर आपका काम असंतोषजनक पाया जाता है, आप सही से काम नहीं करते हैं तो। और दूसरा कि आपको आने जाने के लिए इंटरव्यू देने के लिए वो खर्च नहीं दिया जाएगा, रिजर्वेशन जो है एज पर द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होगा। फर्दर डिटेल यहाँ पे है, यहाँ पे प्रिंसिपल सर का यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन है, ठीक है। अब आप देखिए ये रिजर्वेशन का जो मामला है, इसमें अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइएगा और फॉर्म में अप्लाई भी कीजिएगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के साथ अगर आप OBC से हैं तो आपको OBC NCL बनाना होगा, और अगर आप SC ST से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप EWS से हैं तो EWS सर्टिफिकेट आपको लेके जाना। अगर किसी काम का कोई एक्सपीरियंस है तो वो ज़रूर रखिएगा, प्रिफ्रेंस आपको मिलेगा। अगर आप BTEC हैं, MTEC हैं, PhD हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन BTEC है, ठीक है। अब जो है फिजिक्स है, फिजिक्स के लिए मिनिमम BSc है, लेकिन प्रिफ्रेंस ये लोग MSc वाले को देते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपके डिग्री के अनुसार BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो गूगल फॉर्म है इसको जब ओपन कीजिएगा तो फिर बाकी की जानकारी आपको पता चलेगी कि गूगल फॉर्म में क्या जानकारी दी गई है। तो इतनी सारी बातें हुई दोस्तों, इसको देख लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट होता है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बताइए, कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं जो सॉल्व हो सकता है मैं उसको करने की कोशिश करूँ। दूसरी चीज़ है कि जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं डायरेक्ट कहीं भी पहुँचने के लिए, मतलब आपका जो एडवर्टीजमेंट है उससे रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।